डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने रिएक्शन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट्स के बारे में स्टडी की है। हमारे नेक्स्ट चल रहा था अब टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की स्टडी कर ली है। सेकंड चल रहा था एडिशन रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रॉन्स ने एडिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी की है। आज हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन्स ने या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि अनसेचुरेशन कार्बन कार्बन के बीच प्रेजेंट हो तो वहाँ तो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और यदि अनसेचुरेशन डिफरेंट एटम के बीच में हो वहाँ रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि कार्बन और अधिक विद्युत ऋणी के बीच अनसेचुरेशन होने पर वहाँ रिएक्शन कौन सी होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव के माइनस आई प्रभाव के कारण कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस पर इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दर्शाता। जैसे एग्जांपल लिखा हमने CH3CH3CO, इस पे HCN का एडिशन करवाने पर कार्बन पर तो क्या जुड़ गया CN और ऑक्सीजन पे क्या जुड़ गया H, और ये प्रोडक्ट बन जाता है जिसे हम साइनोहाइड्रीन नाम देते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में या पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, अतः इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये अभिक्रिया दो स्टेप्स में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और वहाँ पर CN जुड़ जाता है, और ये स्लो स्टेप होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस पर H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगी और ये प्रोडक्ट साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शन HCN से करवाने पर साइनोहाइड्रीन बनता है। सेकेंड, कार्बोनिल कंपाउंड से लेकर चल रहे हैं उसके रिएक्शन एल्कोहल से करवाने पर हेमी एसीटेल। फर्स्ट स्टेप में केवल एक एल्कोहल का अणु जुड़ता है, सेकेंड में दो जुड़ जाएंगे। इस तरह से यदि एसीटेल्डिहाइड की रिएक्शन एथिल एल्कोहल से करें, एक ही अणु लें, उसे हेमी एसीटेल जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम होगा हेमी एसीटेल, HEMIACETAL, हेमी एसीटेल। और यदि कीटोन से रिएक्शन करवाएं तो ये बन जाएगा हेमी कीटेल। इस तरह से एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं और इसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। थर्ड है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर फ्री रेडिकल का एडिशन होता है उसे हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर फ्री रेडिकल का जो एडिशन है वो मार्कोनिकोव नियम के अपोजिट होता है, इसलिए इसे हम एंटी मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। और हमने पढ़ा है फ्री रेडिकल परोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, तो इसके बारे में स्टडी खरास नामक साइंटिस्ट ने की है, और परोक्साइड की प्रेजेंस में ये होती है इसलिए इसे हम परोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी कहते हैं। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के देखो तीन नाम हो गए, एंटी मार्कोनिकोव नियम, खरास इफेक्ट और परोक्साइड इफेक्ट। एल्किन पर HX का योग परोक्साइड की प्रेजेंस में करें तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है। अब इसमें भी क्या होगा, एल्कीन होगी वो एसिमेट्रिक होगी, और एसिमेट्रिक रिएजेंट HX का योग करें तो हाइड्रोजन या धनात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मार्कोनिकोव का उल्टा हो गया, वो तो क्या कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, तो एंटी मार्कोनिकोव में हाइड्रोजन या धनात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2HX का योग किया तो ये बन गया CH3CH2CH2X। देखो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रहा है, CH पर। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल ले लिया हमने प्रोपीन की रिएक्शन HBr से करें तो इसके द्वारा प्रोपिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है, अर्थात इसके द्वारा प्राइमरी
हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि मार्कोनिकोफ नियम से सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो यह अभिक्रिया फ्री रेडिकल है, जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टडी की है, फ्री रेडिकल जो भी मैकेनिज्म है वो चेन रिएक्शन के द्वारा होती है, तो ये भी चेन रिएक्शन के द्वारा संपन्न होगी। तो फर्स्ट चेन रिएक्शन में तीन स्टेप होती हैं, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप होगी चेन इनिशिएटिंग या श्रृंखला प्रारंभन पर, इसमें परोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, और फिर फ्री रेडिकल की रिएक्शन HBr से होगी, तो बन जाएगा ROH और Br नेगेटिव। इस एरो पर क्या लिख देंगे हम H। फिर बना हुआ Br रेडिकल एल्कीन से रिएक्शन करता है, और इस स्टेप में फ्री रेडिकल रिएक्शन करता रहेगा और नए फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, जिससे चेन चलती रहती है, अतः इसे चेन प्रोपोगेशन स्टेप कहते हैं। तो Br रेडिकल ने अटैक करके ये बनता है 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटन, अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी, और हम जानते हैं कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्राइमरी से स्टेबल होता है, तो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, सेकेंडरी, इसकी रिएक्शन HBr से, तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा और Br फ्री रेडिकल, और ये रिएक्शन कंटिन्यूस चलती रहेगी। थर्ड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप या श्रृंखला समापन पद में फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर न्यूट्रल स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे रिएक्शन रुक जाती है। इस तरह से फ्री रेडिकल एडिशन के द्वारा एंटी मार्कोनिकोफ रूल्स के अनुसार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये है अपने एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड टाइप की रिएक्शन है एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया। फर्स्ट में हमने इसके 4 पार्ट बनाए थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट, तो 2 पार्ट हो गए। आज थर्ड पार्ट है नेक्स्ट में एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया। देखो, विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। एडिशन में तो हमने क्या पढ़ा कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो एलिमिनेशन इसकी जस्ट उल्टी कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कंडीशन लिखे हमने CCXY, यहाँ से XY निकल जाता है और C के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है, जिसका एग्जांपल हो सकता है एल्किल हैलाइड का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH से करवाते हैं, तो बन जाएगा एथीन KBr और S2। देखो, इससे एक H और Br निकल गया, HBr का एलिमिनेशन हो गया, कोई भी समूह जुड़ता नहीं है, इसलिए इसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन मेनली 3 टाइप्स की होती है या 3 प्रकार की हो जाती है, क्योंकि जो HX या HBr या XY जिसको हम बोल रहे हैं, इसका विलोपन किस तरह से होता है, उसके आधार पर यह अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हो जाती है। यदि दोनों मॉलिक्यूल्स, छोटा मॉलिक्यूल जिसको हम जनरली XY से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही कार्बन से हटते हैं, उसे हम अल्फा विलोपन या 1-1 विलोपन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन OS नेगेटिव से करें तो कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। ये हमने कार्बीन में भी स्टडी की है, इसके नाम से एक नेम रिएक्शन भी है जिसे राइमर्टीमान रिएक्शन कहते हैं। इसमें देखो HCl एलिमिनेट हो रहा है और वो एक ही कार्बन से हो रहा है, अतः इसे हम 1-1 विलोपन या अल्फा विलोपन कहते हैं। यदि विलोपन 1-2 कार्बन से हो, अर्थात 2 निकटवर्ती कार्बन से हो, उसे हम बीटा विलोपन या 1-2 विलोपन कहते हैं। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि यदि 1-3 विलोपन हो, उसे हम गामा विलोपन या गामा एलिमिनेशन कहते हैं। जैसे ये 1 और 3 से हुआ और इसके द्वारा साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता। इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप से हो सकती है, अल्फा विलोपन, बीटा विलोपन और गामा विलोपन। किस तरह से ये समूह हट रहा है, उसके आधार पर 3 प्रकार की हो जाती है। अब इसमें रिएक्शन किस तरह से होगी, मैकेनिज्म के आधार पर एलिमिनेशन रिएक्शन आगे जाके फिर वापस 2 टाइप की हो जाती है। जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा है, सेम उसी तरह से ये भी 2 प्रकार की होती हैं, E1 और E2। देखो, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में डिफरेंस क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्वस बेस की प्रेजेंस में होती हैं, जिससे एक नाभिक से नहीं अड़ता और दूसरा जुड़ जाता है,
जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन एल्कोहलिक या कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में होती है, जिसमें एक छोटे परमाणु छोटे समूह का विलोपन हो जाता है। जो दो प्रकार के मैकेनिज्म के आधार पर E1 और E2, फर्स्ट है E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन या एका अणुक विलोपन अभिक्रिया, अर्थात इस अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। ये टर्शरी एल्किल हैलाइड दर्शाते हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, प्रथम पद स्लो स्टेप का और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है तथा सेकेंड स्टेप फास्ट होता है, और ये अभिक्रिया सांद्र या एल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में होती है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म को कैसे लिख सकते हैं हम, टर्शरी एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक बेस में क्या बन गया, एल्कीन KBr और H2। इसकी मैकेनिज्म को हम डिटेल से लिखें तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, टर्शरी एल्किल हैलाइड स्लो स्टेप्स में इसका क्या होगा, आयोनाइजेशन होकर टर्शरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता। अब सब्स्टिट्यूशन में तो क्या होगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन पर नाभिक स्नेही दूसरा आकर जुड़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में है, डाइल्यूट या एक्वस बेस की प्रेजेंस में, परंतु यह रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेट या एल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में, तो यह क्या करता है, यहाँ से H को एलिमिनेट कर देता है और एलिमिनेट करके एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, और इसमें जो हाइड्रोजन है वो बीटा पोजिशन, हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा होगा, बीटा, तो हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलता है, अतः इसे बीटा विलोपन या 1-2 विलोपन भी कहते हैं। इस तरह से अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं हम, केवल टर्शरी एल्किल हैलाइड के प्रोपोर्शनल होगी, इसको हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाता है KCH3 का होल थ्रू CCl, और इस अभिक्रिया का ऑर्डर 1 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं एल्कोहल का निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एसिड की प्रेजेंस में एल्कोहल की रिएक्शन करें तो फर्स्ट देखो H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर से ऐड होकर क्या निकाल देता है, वाटर मॉलिक्यूल कार्बोकेटाइन बनता है और इससे H+ निकलकर एल्कीन का फॉर्मेशन करता। तो यदि हम एल्कोहल ऐसा लें कि जिसमें OH से जुड़े हुए कार्बन से दोनों तरफ सेम समूह जुड़े हों, अर्थात सिमेट्रिक एल्कोहल हो, तो केवल एक ही एल्कीन बनेगी। यदि हम एल्किल हैलाइड या एल्कोहल ऐसा लें जिसमें एसिमेट्री हो या एसिमेट्रिक एल्कोहल हो या एसिमेट्रिक एल्किल हैलाइड हो, तो दो तरह की एल्कीन बनने की संभावना रहती है, और इन दोनों में से कौन सी अधिक मात्रा में बनेगी और कौन सी कम मात्रा में बनेगी, इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल दिया गया है जिसे हम सेतजेफ रूल कहते हैं। तो सेतजेफ रूल क्या कहता है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड में से तो क्या निकलेगा, HX, तो HX का निकलना क्या कहलाता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन या वी हाइड्रोहैलोजनीकरण। तो किसी एल्किल हैलाइड के वी हाइड्रोहैलोजनीकरण से दो एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, या हाइड्रोजन उस कार्बन से हटता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। जैसे ये लिया हमने एल्किल हैलाइड, तो यहां पर देखो CH और Br, इससे एक तरफ है CH3 एक तरफ CH, तो हाइड्रोजन की संख्या कम क्या है, CH पर, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलने पर प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनेगा। तो देखो दो प्रोडक्ट, एक हो गया मोर और एक लेस क्वांटिटी में बनती है, या शॉर्ट में बोले कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड रिएक्शन है बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन या E2 रिएक्शन, यह है प्राइमरी एल्किल हैलाइड दर्शाते हैं, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है और यह केवल एक ही स्टेप में होती है जिसमें दो स्पीसीज भाग लेती हैं, अतः इस अभिक्रिया की ऑर्डर 2 हो जाती है। देखो इसको लिखा हमने प्राथमिक एल्किल हैलाइड के वी हाइड्रो एलोजनीकरण से एल्कीन कैसे बनेगा, कि जैसे ही Br हटता उसी के साथ OH जुड़ना स्टार्ट हो गया और क्या बन जाती है, ट्रांजिशन स्टेट, फिर यहाँ से कम्प्लीटली Br हट जाता है और OH H को बाहर निकाल लेता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है।
इस तरह से E1 और E2 सेम SN1 और SN2 की तरह से हो जाती है। ये है आपने एडिशन रिएक्शन, और आज हमने पढ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो तीन रिएक्शन हमने पढ़ ली हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। एक बच रहा है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।